राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरी सुबह की शुरुआत शुरू हो गई है। मैंने अपनी सब्ज़ी कट करी, उसके बाद मैंने उसे फ्राई करा। आलू गोभी को पहले फ्राई करा, उसके बाद वो ना फिर वो गलती नहीं है, सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। फिर मैंने मसाला बना के सब्ज़ी को दोबारा से छौंक दिया, फिर सब्ज़ी अच्छी बनती है। और गोभी है ना, जो गोभी गलती नहीं है अगर उसे पहले फ्राई कर दो तो। तो फिर मैंने उसे सब्ज़ी तैयार करी। उसके बाद मैंने सब्ज़ी तैयार करने के बाद मैंने आटा गूंदने के लिए निकाला। आटे में मैंने थोड़ा अजवाइन मिला दी, कि मुझे पूरियाँ बनानी थी, अजवाइन मिला दी, थोड़ा सा नमक मिला दिया, उससे पूरियाँ जो है टेस्टी बन जाती है, पूरियों में टेस्ट आ जाता है। तो मैंने उसमें पूरियों में अजवाइन वगैरह मिला के आटा गूंदा। आटा गूंद के एक तरफ रख दिया मैंने, फिर मैंने आटा वगैरह गूंद के एक तरफ रख दिया। उसके बाद जो है मैंने पूरी सेकनी शुरू करी। तो पहली पूरी जो है मैं वो गाय के लिए निकालती हूँ, रोटी हो चाहे पूरी जो भी हो, पहला निवाला हमेशा गाय के लिए निकाल दो। सुबह सुबह जो भी आप नाश्ते बनाते हो, पहले गाय माता के लिए निकाल दो। फिर मैंने वो, फिर हम जब दूध लेने जाते हो तो मैं गाय को दी जाती हूँ, फिर मैंने वो गाय के लिए निकाल दिया। उसके बाद मैंने राधा रानी और कृष्ण भगवान जी के लिए जो है दो पूरी उनके लिए बनाई, दो पूरी अलग से उनके लिए बनाई। और वो मैंने जो है उनके लिए मैंने एक छोटी सी एक थाल दो एक थाली ले रखी है, और दो छोटी छोटी कटोरी भी है और एक गिलास भी है। तो उसके बाद मैंने वो जो है दो पूरी उनके लिए रख दी। दो पूरी मैंने राधा रानी और कृष्ण भगवान जी के लिए रख दी मैंने, और उसमें मैंने सब्जी भी रख दी। उन्हें भोग लगाने, सबसे पहले मैंने भोग लगाने के, आज मैं सुबह जल्दी उठी थी, मैं सुबह उठ के पहले योगा करती हूँ, मैं सुबह उठ के फिर मैंने उनको उनके लिए पानी वानी गर्म करा और उनके लिए लेगी भोग लगाने, उन्हें नहलाया, कपड़े पहनाए वगैरह, धूपबत्ती वगैरह जलाई, और फिर उन्हें मैंने जो है भोग लगाया। उन्हें मैंने पूजा वगैरह सब निपटा के फिर मैंने औरों के लिए नाश्ता बनाना शुरू करा घर में। तो मेरी पूजा और उनको भोग लगाना हो गया कंप्लीट। फिर मैं सबको नाश्ता देके फिर अपने लिए लेके गई, फिर मैंने अपने नाश्ता करा। फिर उसके बाद मैंने दिन के लंच में जो है पुलाव बनाया। पुलाव बना के सबके लिए बनाओ और रायता बना के मैंने सबको खिला दिया। तो दोस्तों, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब